नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। आराम और सुंदरता का प्रतीक पश्मीना शॉल हमेशा से दुनिया भर की महिलाओं के लिए पहली पसंद रहा है। पश्मीना शॉल का मालिक होने पर आपको एक रॉयल्टी का अनुभव होता है। आप बात बात पर अपने लोगों के बीच गर्व से कहते भी हैं कि पश्मीना शॉल लिया है, बहुत अच्छा है और ठंड नहीं लग रही। पश्मीना शॉल को उसके महंगे होने और जानदार डिजाइन के लिए बहुत ही प्राचीन काल से जाना जाता है। ये शॉल जो गर्मी और नरमी दोनों एक साथ पेश करती है, और आज की तारीख में पश्मीना शॉल की तुलना किसी और के साथ नहीं की जा सकती। जब आप सुंदरता देखते हैं तो आप सुंदरता बनाते हैं, इसलिए ये जानकर आप चौंक सकते हैं कि ये खूबसूरत चीज कश्मीर की खूबसूरत घाटी में तैयार की जाती है। कहने वाले कहते हैं कि पश्मीना धरती पर स्वर्ग की एक विशेष कला है। ये कला महान शासक सम्राट अशोक के शासन के काल में भी खूब फली फूली। ये कला कश्मीर से होकर दुनिया में फैली, लेकिन यही स्वर्ग की एक विशेष कला आज विलुप्ति के कगार पर है। कारण है ग्लोबल वार्मिंग। हम समस्या की बात करें उससे पहले पश्मीना के बारे में आपको बताते चले। पश्मीना नाम एक फारसी शब्द पश्म से लिया गया है, जिसका भाव होता है एक सही तरीके से ऊन की बुनाई। पश्मीना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊन हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली कश्मीरी बकरी की एक विशेष जाति से मिलती। कश्मीर में 15वीं शताब्दी के शासक जैनुल आबदीन को कश्मीर में ऊन उद्योग का संस्थापक कहा जाता है। हालांकि इन शॉलों के निर्माण का इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगता है। पश्मीना सदियों से पारंपरिक पहनावे का अभिन्न हिस्सा रहा है। पुराने जमाने में ये केवल राजाओं और रानियों द्वारा ही पहना जाता था, और इस प्रकार ये शाही शॉल कहा जाता था। लेकिन बाद में ये दुनिया भर के लोगों को मिलने लगा। आज ये शॉल दुनिया भर के लोगों की पसंद है, लेकिन जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पश्मीना बकरियों की जान पर बनाई है, इसलिए अब ये शॉल पैदा करने वाली बकरियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह ढका पठार और पारा -40 डिग्री तक गिर जाता है, जिससे एक इंसान की हड्डियों तक को गला देने की क्षमता रखता है। ऐसे मुश्किल हालात में ये यकीन करना तक मुश्किल होता है कि बर्फ के विशाल रेगिस्तान में कोई जीवित भी रह सकता है। भारत और चीन के पठार पर स्थित चांगथांग का विशाल रेगिस्तान हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यहीं पर अत्यंत दुर्लभ चांगरा बकरी का घर है, जिसे हम पश्मीना बकरी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर जलवायु परिवर्तन ने बकरी की इस प्रजाति को अपना शिकार बनाया। देश के वैज्ञानिकों की माने तो तमाम मुश्किल हालातों के बीच अब इस खास ऊन की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी गिरावट देखी जा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग ने इस इलाके में पश्मीना उत्पादन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। भारी बर्फबारी के बावजूद सर्दियां गर्म होने लगी, और ये मूल्यांकन पश्मीना ऊन की गुणवत्ता को कम करने लगी। गर्म तापमान का मतलब यह है कि बकरियां इस तरह के मोटे अंडरकोट नहीं उगाती। ये नर्म फर की उपज को कम करते हैं, जिसे मोटे बाहरी फर से अलग करना कठिन होता है। यही कारण है कि अब पश्मीना का उत्पादन कम होने लगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। जी हाँ, पश्मीना के लिए मार्च और अप्रैल का महीना सबसे सही होता है, जिसमें बकरियों के बालों की कटाई की जाती है। इसके बाद अच्छे फाइबर को हाथ से अलग किया जाता है। एक बार साफ करने के बाद एक कश्मीरी बकरी से उपयोगी ऊन मात्र 4 औंस तक होती है, और फिर कुशल कारीगरों द्वारा रेशों को हाथ से काटा जाता है। इसके बाद ही बुनाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। एक पश्मीना शॉल बनाने में करीब 180 घंटे का समय लगता है, फिर उन्हें दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो चांगरा बकरी के बाल की चौड़ाई महज 12 माइक्रोन होती है, जो इंसानी बालों से करीब 8 गुना पतले होते हैं, और यही बाल एक सामान्य भेड़ की ऊन से 8 गुना ज्यादा गर्म रखते हैं। इस शानदार रेशे को पश्मीना के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया में सबसे नर्म और सबसे महंगी कश्मीरी ऊन है। यहाँ के चांगरा खानाबदोश लोग इन बकरियों को चराते हैं। इस खतरे के बीच कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली पश्मीना बकरी का क्लोन तैयार कर लिया, और उसी से वैज्ञानिकों ने 2012 में एक बकरी को पैदा किया, जिसका नाम नूरी रखा गया। लेकिन व्यापक रूप से क्लोन का उपयोग करने का विचार चांगरा चरवाहों के बीच विवादास्पद साबित हो चुका है।
वे अपने बौद्ध विश्वासों के कारण इसे ठीक नहीं मानते। चांगथांग पठार के दर्जनों घुमंतू परिवार 180 किलोमीटर दूर लेह के बाहरी इलाके में अपने गांव खरनाक से दूर चले जाते हैं। वहां चरवाहों ने अपना खानाबदोश जीवन छोड़ दिया है। यदि मौसम का यही बदलाव जारी रहा तो चांगथांग पर पश्मीना बकरी पालन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो वो दिन दूर नहीं जब ये आपके वार्डरोब से दूर चला जाए, तब आप ये शॉल गर्दन के चारों ओर एक स्कार्फ के रूप में नहीं पहन पाएंगे।